हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ चीता टावर क्रेन। ये एक रिमोट कंट्रोल वाली क्रेन है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है क्रेन। इतनी ज्यादा बड़ी क्रेन है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे इसकी हाइट आप देख सकते हो, 1.28 मीटर तक इसकी हाइट हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हमें सारे क्रेन के अलग अलग पार्ट्स मिल जाते हैं। सारे पार्ट्स को जोड़कर हम एक बहुत ही बड़ी क्रेन बनाने वाले हैं आज की वीडियो में। ये क्रेन हम रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके सारे फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो गाइस। टर्न लेफ्ट है, राइट है, राइजिंग है और फॉलिंग है। इस तरह का एक बकेट भी मिल जाता है हमें इस क्रेन के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। इतना ज्यादा बड़ा बॉक्स है, आप देख सकते हो। मेरे टेबल पर ही नहीं आ रहा है ये बॉक्स। यहाँ पे लिखा है द सिमुलेशन मॉडल। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे भी इस तरफ एक बहुत ही बड़ी वाली क्रेन दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें इस क्रेन को किस तरह से बनाना है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये क्रेन मैंने कहाँ से खरीदी है। आप भी चाहे तो इसे खरीद सकते हो। इतनी बड़ी आरसी क्रेन को मैंने खरीदा है अमेजोन से। देख सकते हो गाइस, इस तरह की दिखाई देती है हमारी क्रेन। बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में काम में आती है इस तरह की क्रेन। तो यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो 2399 है। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से जाकर आप इस आरसी क्रेन को खरीद भी सकते हो। दोस्तों, इसे अनबॉक्स करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि एपिसोड 3 वाली वीडियो कब आ रही है गेमिंग चैनल पर। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, चटपट गेमिंग टीवी पर मैंने एपिसोड 3 वाली वीडियो डाल दी है कल शाम को ही। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना। काफी जबरदस्त वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। यहाँ से आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। यार ये बाहर नहीं निकल रही है। तो भाई देख सकते हो, इतने ज्यादा पार्ट्स मिले हमें। तो इन सारे पार्ट्स को जोड़कर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही बड़ी वाली क्रेन। तो चलो दोस्तों, फटाफट से सारी चीजें निकाल लेते हैं इस बॉक्स के अंदर से बाहर। तो ये है इसका बेस, जो कि नीचे इस तरह से बैठता है। इसे रख देता हूं मैं साइड में। यहाँ पे इसका रिमोट कंट्रोल, और देख सकते हो इसका वायर भी इस क्रेन से ही जुड़ा हुआ होता है। अरे यार, काफी ज्यादा पार्ट्स है। तो यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स है। इस कवर के अंदर भी देख सकते हो ढेर सारे पार्ट्स है इसके। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आज आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना गाइस। और ये रहे इसके हुक्स। तो देख सकते हो सारा बॉक्स मैंने खाली कर लिया है। यहाँ पे रखे हैं मैंने सारे इसके पार्ट्स। तो चलो दोस्तों, ये सारे पार्ट्स को मैं नीचे रखकर क्रेन को बिल्ड करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल पे रख के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी क्रेन है। अगर मैं इस पर बनाने की कोशिश करूंगा तो शायद ये क्रेन नीचे भी गिर सकती है। चलो दोस्तों, अभी बिल्ड करते हैं हमारी क्रेन को। तो पहले हमें देख सकते हो ये ग्रिल लगानी होगी। ये है 3 ग्रिल्स, यहाँ पर लगाऊंगा मैं इसे। ये एक बार लगाने के बाद वापस से नहीं निकलेगी गाइस, लॉक हो जाती है यहां पर आकर। अभी लगाएंगे हम इसके लेग्स। हमें 4 लेग्स मिलते हैं। लेग्स को यहां से लगाएंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है इसके लेग्स लगाना। तो लेग्स लगा दिए मैंने चारों। तो अभी इसके ऊपर हम फ्रेम लगाएंगे गाइस। ये रहा इसका फ्रेम।
एक एक करके चारों फ्रेम्स लगा देंगे फटाफट से। तो इस फ्रेम को हमें यहाँ पे लगाना होता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसानी से बैठ जाता है इसका फ्रेम। तो गाइस अभी हमें लगाने हैं इस तरह के रिंग्स, देख सकते हो। तो इसको भी लगाने का एक ट्रिक होता है, तो इसे हम पहले इसके अंदर लगाएंगे इस तरह से, इसे ऊपर पुल करेंगे इस तरह से यहाँ तक, और फिर ये दूसरे वाले रिंग को भी लगा देंगे इसके अंदर ही इस तरह से, और फिर इसे इस तरह से बैठा देंगे गाइस यहाँ पर। तो ये बैठ चुका है यहाँ पर। तो अभी इस रिंग को नीचे कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हो एक और रिंग है, अभी हम इसे लगा देंगे यहाँ पर। ये भी बैठ चुका है यहाँ पर। तो इस वाले रिंग को थोड़ा ऊपर ले लेंगे इस तरह से। तो अभी हमारा फ्रेम देख सकते हो गाइस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। अभी हम लगाएंगे उसके ऊपर ये, तो इसे इस तरह से लगाना होता है। ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो भी इसे सपोर्ट देंगे इस तरह से, यहाँ पर एक सपोर्ट लगाना होगा हमें, यहाँ पर एक सपोर्ट लगाना होगा। तो इस फ्रेम को हम यहाँ पे लगा देंगे सबसे टॉप पर इस तरह से। अभी यहाँ पे लगाएंगे स्टिक्स, ये स्टिक्स लगाकर इसे सपोर्ट देंगे इससे। तो ये है सबसे बड़ी वाली स्टिक। तो यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से चेक करना होगा गाइस कौन सी स्टिक कहाँ पर लगेगी। तो शायद ये स्टिक यहाँ पर लग जाएगी, देख सकते हो इस तरह से सपोर्ट मिल चुका है इसे। अभी ये वाली जो स्टिक है यहाँ पर जोड़ूंगा मैं इस तरह से। तो देख सकते हो गाइस अच्छे से सपोर्ट मिल चुका है इसे। तो और थोड़ा सपोर्ट ऐड करने के लिए ये दो स्टिक्स को जोड़ेंगे हम इस तरह से। जोड़ दिया मैंने, तो अभी यहां पर हुक डालेंगे इसे इस तरह से, और इसे यहीं पर ही जोड़ देंगे इस तरह से। तो देख सकते हो गाइस अभी क्रेन अभी भी हमारी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है। तो और इतनी चीजें हैं देख सकते हो जोड़ने के लिए। ये लास्ट चीज है, इसे हम यहां पर जोड़ देंगे इस तरह से। ऑल राइट, देख सकते हो गाइस पूरी तरीके से हमारी क्रेन रेडी हो चुकी है यहां पर। यहां पर दो एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स भी मिलते हैं हमें, यह है इसका बकेट, और ये देख सकते हो कुछ लकड़ी जैसा कुछ दिया गया है। तो इसे हम यहाँ पर लगाते हैं गाइस इस तरह से। आज की वीडियो में ट्राई भी करेंगे गाइस, देखते हैं ये क्रेन कितना ज्यादा वजन उठा सकती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्रेन को किस तरह से ऑपरेट करना है। ये रहा इसका रिमोट, तो देख सकते हो ये वायरलेस नहीं है, इसके साथ इतना ज्यादा बड़ा वायर भी आ जाता है हमारे रिमोट के साथ। तो यहाँ पे हमें डालनी होती है 4 बैटरीज, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बैटरीज डाल के रखी हुई है। ये जो पार्ट है इसके अंदर कोई भी हमें बैटरी डालने की जरूरत नहीं है, बैटरी हमें सिर्फ रिमोट में ही डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 टॉगल्स दिए गए हैं इस रिमोट के अंदर। ये टॉगल जो है देख सकते हो इस तरह से हमारे क्रेन को हम रोटेट करा सकते हैं पूरी तरीके से, पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाती है ये क्रेन इस तरह से। चाहे तो पूरा राउंड घुमा सकते हैं गाइस हम इस क्रेन को। अभी यहां पे एक और टॉगल है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे है इसका हुक,
इस हुक को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसकी मदद से, इस तरह से। अभी आपको दिख रहा होगा ये पूरी तरीके से नीचे जा चुका है। तो अभी यहाँ पे एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा है, तो अभी ये लट्ठा मैं उसे अटैच कर दूंगा। इस तरह से ये लट्ठा मैंने इसे लगा दिया। तो अभी इस लट्ठे को ऊपर उठाते हैं गाइस। ओ भाई गजब की क्रेन है यार। तो अभी इसके ऊपर वेट भी डाल के देखते हैं गाइस, ये क्रेन कितना ज्यादा वेट उठा सकती है। यहाँ पे ले लिए दोस्तों मैंने एक KTM बाइक, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इसे मैंने एक धागे से बांध दिया है। तो पिछली बार भी मैंने एक क्रेन की अनबॉक्सिंग की थी, वो जो क्रेन थी इस KTM बाइक को बहुत ही आसानी से लिफ्ट कर दिया था। तो देखते हैं ये वाली क्रेन इस KTM बाइक को लिफ्ट कर पाती है कि नहीं। तो इस लट्ठे को निकाल देते हैं हम। ये जो लट्ठा है बहुत ही हल्का सा है यार, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो अभी हमारी KTM बाइक को यहाँ पे इस हुक में लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी ये KTM बाइक को मैं लिफ्ट कराने वाला हूँ। अरे भाई बहुत ही आसानी से ये क्रेन तो इसे लिफ्ट कर रही है, देख सकते हो। वाह भाई मजा आ गया यार। ओहो देख सकते हो इतनी आसानी से ये घूम भी रही है इसे लेकर। मैंने तो यार बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये KTM बाइक को तक लिफ्ट कर पाएगी। ओ भाई कुछ ज्यादा ही हिल रही है यार। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ पे टॉप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइट भी लगाई गई है जैसे ओरिजिनल क्रेन्स को होती है। तो जैसे हम इसे ऊपर नीचे करते हैं ये लाइट काम करने लगती है इस तरह से। तो चलो दोस्तों अभी हमारे KTM बाइक को नीचे रख देते हैं, तो और कुछ इसे लिफ्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक कार वाला ड्रोन है, ये ड्रोन इस तरह से चलता है देख सकते हो। तो बहुत ही वजन है ये भी, तो इसे यहाँ पर हुक में लगाते हैं, देखते हैं ये उठा पाती है कि नहीं क्रेन हमारी। ये लगा दिया मैंने इसके हुक में, तो अभी इसे लिफ्ट कराते हैं यार ऊपर। तो भाई ये भी बहुत ही आसानी से उठा दिया इसने, और ज्यादा वजन डालते हैं इसके ऊपर। तो भाई हम लोग अभी देख सकते हो हमारे पास एक डुकाटी पैनिगाले बाइक है। इस बाइक की ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग की है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो गाइस जाकर जरूर से देख लेना। अभी ये बाइक को लिफ्ट कराने की कोशिश करते हैं इस क्रेन से। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके हुक को। भाई काफी ज्यादा वजन बाइक है यार, ये पूरी तरीके से मेटल की बनी हुई है। ओ देख सकते हो ये बाइक को भी उठा लिया इसने आराम से। वाओ तो टर्न करते हैं इसे। नीचे रख देते हैं बाइक को। तो दोस्तों इस क्रेन के साथ हमें एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी मिलता है, यह है इसका बकेट। इस बकेट में भी हम कुछ चीजें डालकर लिफ्ट कर सकते हैं, देख सकते हो। अभी मैं इस बकेट को भी उठा के दिखाता हूं, इस तरह से बकेट भी यूज कर सकते हैं हम।
तो गाइस ये था हमारी आरसी क्रेन का रिव्यू, और कुछ चीजें भी मैं इस क्रेन के बारे में आपको बताता हूं। अगर मान लो गाइस इस क्रेन से हमें और भी ज्यादा कुछ वजन उठाना है तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है। अगर हम ये स्क्रू खोलेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा वजन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वजन डाल देंगे तो ये जो पार्ट है इस तरह से नीचे नहीं गिरेगा, तो और भी वजन उठा सकते हैं गाइस इस क्रेन के साथ हम। बहुत ही बढ़िया क्रेन लगी मुझे। आपको ये क्रेन कैसी लगी गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो इस क्रेन के कुछ कॉन्स भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से सारी चीजें हम लिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही कमजोर पार्ट है, बहुत ही बारीक प्लास्टिक से बनाया गया है। तो ये था गाइस इस चीता आरसी क्रेन का रिव्यू। बहुत ही कमाल की क्रेन लगी। आप अगर ये क्रेन को खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से जाकर इस चीता टावर आरसी क्रेन को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। कल मैंने एक रिमोट कंट्रोल वाली बाइक की वीडियो डाली थी, वो वीडियो नहीं देखी तो गाइस आपने जाकर जरूर से देख लेना। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अकरम खान, एस प्रकाश, प्रदीप कुमार जीना, अभिषेक रॉय, महकदीप, अनाफ अहमद, वत्सल जैन, रिगदेन तमांग, नितिन, सार्थक राज, इकबाल, छोटू वर्मा, मंजुला सिंह, नबी गोयल, एस के राहत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो पर जरूर से लाइक कर देना। अगर आपको चाहिए शाउट आउट तो नीचे जरूर से कमेंट भी कर देना। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह के कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।